नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं आदित्य मन। 26/11 के मुंबई हमले का आरोपी अजमल आमिर कसाब ने अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला है। आज सुनवाई के दौरान उसने खुद को पहचानने से ही इनकार कर दिया। झूठ के इस पुलिंदे में कई और चिट्ठे हैं। वो कहता है कि वो शख्स वो है ही नहीं जो 26/11 को गिरफ्तार हुआ था। मुंबई के जिस गुनहगार की करतूत सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी दुनिया देख चुकी है, उसी कसाब ने सारी बातों को झूठ करार दे दिया। कसाब सफेद कुर्ते पजामे में पहुंचा और कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ। जज एमएल ताहिलयानी ने कहा कि तुम्हारा बयान दर्ज किया जा रहा है, जो पूछा जाए उसका जवाब देना। छूटते ही कसाब ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद आप जो चाहे सजा मुझे दे दीजिएगा। जज ने कहा, तुम्हें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, पहले सवालों का जवाब दो। लेकिन एक के बाद एक कसाब अपने बयानों से मुकरता गया। जज ने पूछा, भरत नाम के एक गवाह ने तुम्हें बधवार पार्क में देखा था जब तुम कंधे पर बैग लटकाए बोट से उतर रहे थे। कसाब ने कहा, देखा होगा, मुझे मालूम नहीं। जिस कसाब की पहचान गवाहों के बयान से साबित हो चुकी है, जो कसाब खुद मजिस्ट्रेट के सामने असलियत कबूल कर चुका है, वही कसाब कोर्ट के सामने सारी बातों से मुकर गया। जज ने पूछा, तुमने मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया था कि एक बोट से तुम आए थे जिसमें यामाहा का इंजन लगा हुआ था, तुम और अबू इस्माइल उस बोट से आए थे? कसाब ने कहा, सारी बातें झूठी हैं। मुझे मारपीट कर बयान लिया गया था। अमेरिका से आए 4 गोरे लोगों ने भी मेरे साथ मारपीट की थी, उनमें हेडली भी था। जैसे ही कसाब ने हेडली का नाम लिया, जज ने उसे टोक दिया। जज ने कहा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने सीएसटी स्टेशन पर टैक्सी में बम फिट किया, गवाह नटवरलाल और तुम्हारी गोली से घायल उनकी बेटी ने आपको पहचाना भी है। कसाब ने कहा, मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में घूम रही है, मुझे तो कोई भी पहचान सकता है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। जज ने कहा, गवाह और उनकी बेटी बता चुकी है कि उस बच्ची को गोली तुम ही ने मारी थी। कसाब ने कहा, मुझे मालूम नहीं, सारी बातें गलत हैं, जो किया अतिरेकी ने किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कभी उर्दू का अखबार मांगने वाले कसाब ने शुद्ध हिंदी के शब्द अतिरेकी का इस्तेमाल किया। हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि कसाब की इस पलट बयानी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि कसाब को मिलिट्री इंटेलिजेंस से ट्रेनिंग मिली है, इसी का नतीजा है कि वो कोर्ट के सामने इस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। कसाब की हिम्मत तो देखिए, उसने कई लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को घायल कर लिया, लेकिन फिर भी बड़ी ही आसानी से अपने आप को पाक साफ बताता है। खैर, कसाब की भोली शक्ल के पीछे छिपी हुई दरिंदगी अब ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकती, क्योंकि अब फैसला नजदीक है। हरीश चंद्रा के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।